ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। और अभी आपको बताएं, गोजा में मोटरवे M4 पर कार में लड़की को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के केस में अहम पेशरफ हुई है। पुलिस का दावा है कि मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि मुलजिमान ने टोबा टेक सिंह में लड़की को बुटीक में नौकरी का झांसा देकर गोजरा बुलाया था। मुलजिमान ने मोटरवे पर कार में लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और इसे फैसलाबाद इंटरचेंज पर फेंक कर फरार हो गए। DSP मियां वक्कार अहमद का कहना है कि इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा थाना सिटी में मुतासर लड़की की खाला की मुदैयत में दर्ज कर लिया गया है। लड़की की खाला ने FIR में बताया कि जिस गाड़ी में भांजी को जाया गया इसमें खातून और दो मर्द भी सवार थे। DSP वकार अहमद ने बताया कि लड़की से ज्यादती के वाकये में 3 मुलजिमान हैं जो गाड़ी में आए थे। इनमें 2 लड़के और 1 लड़की भी थी जिसने मुतासा लड़की को मैसेज किया था। इस हवाले से पुलिस ने बताया है कि लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है और DNA के नमूने लाहौर भिजवा दिए गए हैं।